तो मेरी पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि एक वीडियो बनाओ अडोबी डायनेमिक लिंक पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अडोबी डायनेमिक लिंक है क्या, इसको हम यूज कैसे करते हैं और इससे हमको क्या क्या फायदे होंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आप अपने आईफोन में टेक्स्ट कॉपी करते हो और उसको मैकबुक में ले जाके पेस्ट कर देते हो। तो ऐसे ही सिंपली अगर आप प्रीमियर प्रो में काम कर रहे हो तो उस सेम प्रोजेक्ट को आप फोटोशॉप में भी ले जा सकते हो, आप आफ्टर इफेक्ट्स में भी ले जा सकते हो और आपके चेंजेस होंगे रियल टाइम में, आपको बार बार एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसको यूज कैसे करना है वो हम प्रीमियर प्रो में चल के बात करते हैं। तो प्रीमियर प्रो में आने के बाद आप देख सकते हो कि हमारे पास दो क्लिप है और इनके बीच में मेरे को एक जूम ट्रांजिशन बनानी है। तो मैं इन दोनों क्लिप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिशन में क्लिक कर दूंगा। इससे आपका आफ्टर इफेक्ट्स खुल जाएगा। आप इसको किसी भी फाइल नेम से सेव कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि आपकी दोनों क्लिप्स आ चुकी है। फिर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में जाना है और एक एडजस्टमेंट लेयर बना लेनी है। फिर आप अपने टाइमलाइन प्लेहेड को अपनी दोनों क्लिप्स के बीच में रखना। फिर आपको अपनी क्लिप के लेफ्ट के 5 फ्रेम्स में आ जाना है और कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करना है। इससे आपकी एडजस्टमेंट लेयर में कट लग जाएगा और सेम ऐसे ही आपको अपनी नेक्स्ट क्लिप में भी राइट की तरफ 5 फ्रेम्स में जाना है और कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस कर देना है। फिर आपको बाकी पार्ट को डिलीट कर देना है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास इतनी एडजस्टमेंट लेयर बन चुकी है। फिर आपको इफेक्ट्स वाले पैनल में जाना है और ट्रांसफॉर्म सर्च करना है और इसको अपनी एडजस्टमेंट लेयर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। फिर आपको अपने इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में आ जाना है और यूज कंपोजिशन शटर एंगल को अनचेक कर देना है और आपको शटर एंगल को कर देना है 360। इससे आपको मैक्सिमम मोशन ब्लर मिलेगा। फिर आपको अपने स्केल वाले क्लॉक में क्लिक करना है, इससे की फ्रेम लग जाएगा और यू प्रेस करना है, इससे की फ्रेम दिखेगा। तो इसको अपनी क्लिप के स्टार्टिंग में रख देना और एक और की फ्रेम लगाना और इसको एंड पे रख देना। तो अभी हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। फिर आप अपने तीनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर देना है। फिर वापस इफेक्ट्स पैनल में जाके डायरेक्शनल ब्लर सर्च करना और इसको अपनी एडजस्टमेंट लेयर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। फिर यहाँ इस एरो में क्लिक करना और डायरेक्शन को 90 डिग्री कर देना। फिर आपको ब्लर लेंथ में एक की फ्रेम लगाना है और इसको अपनी क्लिप के फ्रंट में रख देना और एक और की फ्रेम लगाना और इसको अपनी क्लिप के एंड पे रख देना और मिडिल में आपको अपनी क्लिप के हिसाब से रख देना है। मैं इसको 100 पे रख रहा हूँ। तो अब हमारा इफेक्ट्स कुछ ऐसा लग रहा है। फिर आप इन तीनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके भी F9 प्रेस कर देना, इससे इजी नीज आउट लग जाता है। तो अभी तक हमने जितना आफ्टर इफेक्ट में काम किया है वो प्रीमियर प्रो में अपने आप आ गया होगा, आप देख सकते हो। तो डायनेमिक लिंक से हमको यही फायदा होता है कि हमको बार बार एक्सपोर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। आप वहाँ जो काम करोगे आपके प्रीमियर में भी हो जाएगा। तो इन दोनों क्लिप को हमने डायनेमिक लिंक की मदद से आफ्टर इफेक्ट में एडिट किया। ये हमारी सेकंड क्लिप है और इसमें हम करेक्टर इंट्रो बनाएंगे फोटोशॉप की हेल्प से। तो आपको अपने हीरो फ्रेम को सिलेक्ट करके इस कैमरा आइकन में क्लिक कर देना है और इम्पोर्ट इंटू प्रोजेक्ट पे ओके प्रेस कर देना। इससे आपका ये फ्रेम प्रोजेक्ट में आ जाएगा। फिर आपको इस क्लिप में राइट क्लिक करना है और एडिट इन अडोब फोटोशॉप पे क्लिक कर देना है। इससे आपका फोटोशॉप खुल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि फोटोशॉप में ये फ्रेम आ चुका है। फिर आपको सिंपली सिलेक्ट में जाना है और सब्जेक्ट कर लेना है सिलेक्ट। तो जो जो पार्ट रह गया है उसको आप सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हो। मैं साइज छोटा कर लेता हूँ इसका। तो इसका जो जो पार्ट रह गया है वो सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेना। आप ऑल्ट प्रेस करे रहोगे तो ये डी सिलेक्ट होगा। सिलेक्शन की शॉर्टकट की W है। फिर आपको कंट्रोल J प्रेस करना है और अपने बैकग्राउंड वाली लेयर को हाइड कर देना। फिर आपको कंट्रोल शिफ्ट S प्रेस करना है और अपनी फाइल को सेव कर लेना। फिर आपको प्रीमियर प्रो में चले जाना है और यहाँ पे आके कंट्रोल I प्रेस करना और अपनी सेव फाइल को ओपन कर लेना। तो आप देख सकते हो कि वो फ्रेम सिंपली आ चुका है। तो मेरे को अपने करेक्टर में स्ट्रोक चाहिए तो मैं अपने फोटोशॉप में चले जाऊंगा और इफेक्ट्स में जाके स्ट्रोक दे दूंगा और साइज को रख दूंगा मैं 5 और आपको पोजिशन को कर देना है आउटसाइड और ओके प्रेस करना। फिर आप सिंपली कंट्रोल S प्रेस करोगे और प्रीमियर प्रो में जाके देखोगे तो ये स्ट्रोक आ गया है। तो हमें डायनेमिक लिंक से यही फायदा होता है कि हम किसी भी 2-3 सॉफ्टवेयर में कंबाइन काम कर सकते हैं और चेंजेस रियल टाइम में सेव होंगे। तो मैं सिंपली द स्केटर लिख रहा हूँ यहाँ पे और इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसको स्टार्टिंग में अपने फ्रेम से बाहर ले जा रहा हूँ और पोजिशन और स्केल में की फ्रेम लगा दे रहा हूँ। फिर मैं अपने टाइमलाइन प्लेहेड को थोड़े आगे लाके इसको वापस अपनी पोजिशन में ले आ रहा हूँ और मैं स्केल कर दूंगा इसको थोड़ा। तो मैं एक और एडजस्टमेंट लेयर बना ले रहा हूँ ताकि मेरा ब्लैक एंड व्हाइट वहीं से शुरू हो जहाँ से मेरा करेक्टर इंट्रो स्टार्ट हो रहा है और मैं इफेक्ट्स में जाके ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। फिर जहाँ से आपका इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे कट लगाना है और अपनी क्लिप में राइट क्लिक करके एड फ्रेम होल्ड पे क्लिक कर देना है। इससे आपकी वीडियो स्टॉप हो जाएगी। फिर आपको अपने करेक्टर को पकड़ना है और स्केल में की फ्रेम लगा के इसके एंड में जाके इसका साइज बड़ा कर देना। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमने सिंपली डायनेमिक लिंक का यूज करके करेक्टर इंट्रो और जूम ट्रांजिशन को बनाया।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपने आज डायनेमिक लिंक के बारे में कुछ सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।